बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में लगातार बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पार्टी में कई बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बहन जी ने एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। एक बार फिर से उन्होंने एक मंत्री को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज प्रवीण कुमार को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इसी के साथ ही प्रवीण कुमार को एक नई जिम्मेदारी भी सौंप दी है। बहन जी के द्वारा तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार को बनाकर बीएसपी में एक नई लहर लाने की कोशिश की है। ये बताया जा रहा है कि प्रवीण कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीएसपी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि तेलंगाना के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार बहन जी से अनुरोध किया जा रहा था कि प्रवीण कुमार को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और इनकी बात को सुनते हुए बहन जी ने बड़ा फैसला लिया और प्रवीण कुमार को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। आरएस प्रवीण कुमार गौतम ने बहन जी के इस फैसले के बाद बहन जी का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने बहन जी का आभार प्रकट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, बहन जी ने मुझे तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, शुक्रिया। आगामी साल में तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन विधानसभा चुनाव से पहले बहन जी का ये बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। आरएस प्रवीण कुमार गौतम बीएसपी के जाने माने नेता है। वह लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करते रहे हैं। प्रवीण कुमार लगातार बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अब इस नए पद के साथ उनकी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। बहन जी द्वारा प्रवीण कुमार गौतम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता बना दिया है। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्या प्रवीण कुमार गौतम बहन जी के इस फैसले पर खरे उतरेंगे। दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सके आप पे सबसे पहले।